सामईन नाजरीन अस्सलाम वालेकुम आदाब। इन्फेक्शन कंट्रोल सोसाइटी के सेहत डॉट नेट चैनल से आपका मेज़बान डॉक्टर हसन नवाब आपसे मुखातिब है। कोला मशरूबात और इंसानी सेहत के मालूमात आप तक पहुंचाई जा रही हैं। फास्फोरिक एसिड के बारे में हम बताते हैं कि फास्फोरिक तेजाब फास्फोरिक एसिड मुख्तलिफ बाजारी मशरूबात में फास्फोरिक एसिड भी पाया जाता है। ये तेजाबी मादा यानी कि यह एसिडिक मादा लोहे और स्टील को जंग लगने से महफूज रखता है और इंसानी जिस्म की हड्डियों और दांतों से ज़्यादा कैल्शियम खारिज करता है। ऐसे मशरूबात का मुस्तकिल इस्तेमाल हड्डियों को कमज़ोर कर देता है जिसकी वजह से ऑस्टियोपोरोसिस का आर्जा लाहक हो जाता है। ख्वातीन में मेनोपॉज यानी कि सन्यास के दौरान हड्डियां फ्रैक्चर होने के वाकयात में भी इजाफा हो सकता है। जैसा कि हमने आपको बताया है कि ये जो कोला मशरूबात हैं इसमें ये एसिडिक जो मटेरियल है वो इंसानी जिस्म में जो ख़ास तौर पर हड्डियाँ और दांत हैं उनको कमज़ोर करने का सबब भी बनता है, जिसकी वजह से जो लोग ज़्यादा उम्र के होते हैं और या जिसमें कैल्शियम की कमी है या विटामिन डी की कमी है उनमें ये जो फास्फोरिक एसिड है वो मज़ीद तेज़ी से उनकी हड्डियों को उनके बोन्स को कमज़ोर करता है और उनमें फ्रैक्चर होने या टूटने फूटने के वाकयात बढ़ जाते हैं। इसलिए इंतहाई ज़रूरी है कि इन मशरूबात से परहेज़ करना चाहिए और उसके लिए जो अगर पानी की ज़रूरत हो और पीने के लिए पानी जो है सबसे बेहतरीन चीज़ है, जो सादा पानी साफ़ क्लीन वाटर जो है सबसे बेहतर चीज़ है।